दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी बातचीत का मुद्दा है वो है राहुल गांधी की शादी। दोस्तों, आजकल जितनी चर्चा सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही है उतनी चर्चा शायद किसी और बड़े मुद्दे की ना हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की शादी का मुद्दा एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका हल कब होगा सभी इंतजार में है। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर ये भी सुना होगा, देखा होगा कि राहुल गांधी की शादी लोकसभा चुनावों के बाद परिणीति शिंदे से होने जा रही, और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने तो उसकी शादी की तैयारियां और खरीदारियां भी शुरू कर दी। ये चर्चा लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी तेजी से चल रही थी, सोशल मीडिया पर ज्यादा थी, लेकिन आज की तारीख में आप सोशल मीडिया को कमतर नहीं आंक सकते, बल्कि सोशल मीडिया नेशनल चैनल के मुकाबले में, राष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुकाबले में ज़्यादा देखा और सुना जाता है। और कई आंकड़े जो सामने निकल कर आए हैं उनमें पता चलता है कि लोग नेशनल चैनल और समाचार पत्रों से उनका मन ऊब चुका है और वो सोशल मीडिया पर आज की तारीख में ज़्यादा यकीन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया पे आई हुई हर खबर एक सत्य पर आधारित होती है, सोशल मीडिया पर भी उसी तरीके की कई खबरें चलती हैं जो संभावनाओं पर आधारित होती हैं, और ये संभावनाओं राजनीति संभावनाओं का जैसे खेल है, उसी तरीके से सोशल मीडिया भी संभावनाओं पर ही आधारित होता है। तो दोस्तों, आपके सामने है कि जब लोकसभा चुनावों से पहले ये खूब चर्चा चल रही थी कि महाराष्ट्र की सांसद परिणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी लोकसभा चुनावों के बाद होने जा रही है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रियंका गांधी उनकी बहन और मां सोनिया गांधी उनकी शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई परिणीति शिंदे तो दलित समाज से आती हैं, लेकिन दोस्तों नेहरू गांधी परिवार ने कभी जाति और धर्म को अपने जीवन में मुद्दा नहीं बनाया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक पारसी से शादी की थी। ये फिरोज गांधी या फिरोज जहांगीर गांधी उनका नाम था, और वो भी कांग्रेस के लीडर थे और सांसद भी कांग्रेस के रहे थे। अब आते हैं उनके भाई राजीव गांधी, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, उनके बारे में सारा देश सारी दुनिया जानती है कि वो ईसाई समाज से थी, ईसाई धर्म से थी, तो उन्होंने ईसाई समाज में शादी की। और आप राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी के बारे में भी जानते होंगे, उन्होंने भी एक सिख परिवार में शादी की, यानी मेनका गांधी सिख परिवार से आती थीं, पंजाबी थीं, और उनके पिता सरदार लेफ्टिनेंट कर्नल तरलोचन सिंह आर्मी के बड़े अधिकारी थे। तो मैंने बताया कि गांधी परिवार में अंतरजातीय या अंतर धार्मिक शादियां होना एक रिवाज सा है, और वो इसमें फ़र्क नहीं मानते, वो इंसानियत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बल्कि लोकसभा चुनावों से पहले तो ये तक माना गया था कि परिणीति शिंदे के साथ राहुल गांधी का नाम जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है और बहुत तेज़ी से ये चर्चा चल रही थी, लेकिन ना तो राहुल गांधी ने, ना सोनिया गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, या ना किसी कांग्रेस के नेता ने कभी
इसका खंडन नहीं किया, बल्कि कांग्रेस जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को तो इसका फायदा हुआ। जब देश के करोड़ों दलितों को यह पता चला कि राहुल गांधी एक दलित महिला से, दलित सांसद से शादी करने जा रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा। और ये राहुल गांधी का एक दलित सांसद से शादी करने की बात का फायदा कांग्रेस को वोटों के रूप में भी हुआ, ऐसा जानकार मानते हैं। कांग्रेस की तरफ दलितों का रुझान परिणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी की चर्चाओं से भी हुआ, कांग्रेस को फायदा मिला। तो ये भी बात खत्म हो जाती है कि भाई वो किस जाति की हैं, वो हमने सारी डिटेल आपको बता दी गांधी परिवार की कि भाई वो किस किस से शादी करते रहे हैं। और जब अपनी यात्रा के दौरान, जो दोनों यात्राएं थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें भी कई जगह उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ शादी करूंगा, शादी क्यों नहीं करूंगा। एक बार उन्होंने कहा कि मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन उस लड़की से करूंगा कि जो जिसका मतलब संस्कार मेरी माँ सोनिया गांधी की तरह हो, मेरी माँ की तरह वो मेरी देखभाल कर सके, मेरे साथ चल सके, मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मददगार साबित हो सके। हालांकि राहुल गांधी का पहले भी कई महिलाओं के साथ नाम जोड़ा गया था, चाहे वो शायद अफगानिस्तान की या कहाँ की कोई महाराजे की लड़की थी, अदिति सिंह के भी साथ उनका नाम जोड़ा गया, एक दो और लड़कियां थीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो ये चर्चा भी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हो। तो क्या ये चर्चा दलितों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए की गई थी, या क्या सचमुच राहुल गांधी परिणीति शिंदे के साथ, जो कि एक पढ़ी लिखी निहायत खूबसूरत और बड़ी सुलझी हुई नेता हैं और भारत के पूर्व गृह मंत्री की बेटी भी हैं, उनके पिता शिंदे जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कुछ समय के लिए, तो किसी भी तरीके से परिणीति शिंदे का कद ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से शादी करने में मेल ना खाता। लेकिन सवाल ये है कि जब तक राहुल गांधी या परिणीति शिंदे या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह से कैमरे के सामने ये आवाज़ ना आ जाए कि हाँ राहुल गांधी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और उनकी जीवन संगनी परिणीति शिंदे बनेंगी, तब तक ये मानना जल्दबाजी होगी कि हाँ उनकी परिणीति शिंदे के साथ शादी होने जा रही है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उसकी शादी की तैयारियां करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस सारे मुद्दे को एक तरीके से एक और झटका लगा है। बताया जा रहा है कि परिणीति शिंदे के पिता जो हैं, उन्होंने एक मीडिया साक्षात्कार में परिणीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी पर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ये कहकर टाल गए कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं एक पिता होने के नाते जो इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ तो वो ये है कि शायद परिणीति शिंदे राहुल गांधी की शादी का मुद्दा एक अफवाह से ज़्यादा नहीं है और मीडिया की क्रिएशन ज़्यादा है, सोशल मीडिया की क्रिएशन ज़्यादा है। और मैं, यदि आप मेरे पिता होने के नाते मेरी बात पर यकीन करें, तो हमारे परिवार में इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है कि मेरी बेटी की शादी राहुल गांधी से होने जा रही है। तो दोस्तों, ये तो परिणीति शिंदे के पिता का जवाब है, लेकिन आजकल किसी भी लड़की के पिता की हाँ या ना में कितना वजन होता है कहा नहीं जाता। तो फिर सवाल आकर वहीं टिक जाता है कि जब तक परिणीति शिंदे खुद और राहुल गांधी दोनों मिलकर ये देश के सामने ना बता दें कि हाँ हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, तब तक इस पर यकीन करना मुश्किल सा ही है। और जब तक ये दोनों नहीं कहेंगे तो राहुल गांधी की शादी का मुद्दा जिंदा रहेगा, वो चाहे नेशनल टीवी पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, क्योंकि राहुल गांधी देश के
बड़े नेता हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और भारत की भविष्य की राजनीति के एक सपना भी है। लोग उनको, मतलब बड़ी तादाद में उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो जिसको लोग देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनके पिता भी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे, तो ऐसे बंदे की शादी पर चर्चा होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, देखते रहिए कि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे की शादी होती है या नहीं, और होती है तो उसमें कितनी देर लगेगी, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी 54 साल के हो चुके हैं, परिणीति शिंदे भी 44 साल की है, तो उम्र के लिहाज से तो बहुत समय बचा नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो इन दोनों के पास ही है, तो इन दोनों के पास से ही इस सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।